इस बार एस एस सी अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन लेकर आया है आपके लिए कुछ बेहतर और कुछ खास एस एस सी जी डी कॉन्स्टेबल स्टूडेंट्स के लिए एस एस सी अड्डा ने ठाना है अब आपको वर्दी पहनाना है तो हो जाइए तैयार आठ अगस्त दिन सोमवार तो शाम पाँच बजे ओनली ऑन एस एस सी अड्डा यूट्यूब चैनल पर तो जुड़ना मत भूलिए ओनली ऑन एस एस सी अडा ट्वेंटी फोर सेवन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हेलो एंड वेलकम स्वागत है आपका एस एस सी अडा ट्वेंटी फोर सेवन चैनल पे चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सफर का और आज के इस सफर में सबसे पहले कहेंगे वेलकम स्वागत है आपका स्वागत है एसएससी जीडी के इस नए संग्राम में देख के जाइए सर पहला क्वेश्चन ठीक है एस एस के पहले क्वेश्चन से एक्चुअली एक सर थे तो मैंने उनसे भी कहा कि भैया आइए देखा जाए ठीक है ना तो थॉट ऑफ द डे देखते हैं जिंदगी में हार तब नहीं होती जब आप हारते हैं हार तो तब होती है जब आप हार मान लेते हैं एकदम सच कहा गया है कि जिंदगी में हार तब नहीं होती जब आप हारते हैं अरे हारे तो क्या हुआ जीत का एक अभिन्न अंग है हार एक स्टेप है हार कि यस इस बार हार गया कोई बात नहीं एक नया अनुभव लिया और अब आगे बढ़ूंगा यह हम लोग के सिर्फ सुनने की बात नहीं है जीवन में आजमाने की बात है जीवन में आजमाने की बात है तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन देखते हैं कि आज के सेशन में हम लोग क्या बेहतर और क्या अच्छा कर सकते हैं और किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं सबसे पहले वही बात वर्दी का सफर है तो तिरंगे को सैल्यूट करना ही पड़ेगा और उसके बाद आगे बढ़ना पड़ेगा ठीक है ना तो भाई आज के सेशन में आपको चूंकि अब ये धीरे धीरे रक्षा बंधन से पूर्व की संध्या अब एक दो दिन बचा है तो थोड़ा सा उस लेवल पे पढ़ लिया जाए कि थोड़ा मजा आ जाए तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ये चार बड़े इंपॉर्टेंट पहलू है इनको ध्यान देना यार तुम लोग ठीक है ना इनको ध्यान देना यार तुम लोग ठीक है तो पहला क्वेश्चन ला दिया जाए कम से कम सब लोग झट से शेयर वेयर करके 500 प्लस हो जाओ ठीक है ना आ, चलो 500 प्लस हो जाओ याद रखना इस बार जीडी में चौरासी हजार प्लस वैकेंसी है और ये चौरासी हजार वैकेंसी में से एक तुम्हारी है एक लोग पूछ रहे है सर, फार्म। फार्म बेटा अभी आया नहीं है, कुछ दिन में आ जाएगा ठीक है पेन को एक बार सेलेक्ट कर लू और देखते हैं कि क्या स्थिति बनती पहला उस संस्कृत नाटक का नाम बताइए जिसे चंद्रगुप्त मौर्य का जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का नंद पर विजय का वर्णन है देखो उस संस्कृत नाटक को कहा जाता है मुद्रा राक्षस मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त मौर्य इसकी मृत्यु किस वजह से हुई थी जरा बताएंगे इसकी मृत्यु किस वजह से हुई थी इसने 305 बीसी में ईसापुर में किसके विरुद्ध युद्ध लड़ा था दो बातें मैंने आपसे पूछी चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई 305 बीसी में इसने किसके विरुद्ध युद्ध लड़ा और ये कौन सा धर्म अपनाया था और किसके द्वारा इसको वो धर्म किसने स्वीकार करवाया था चारो क्वेश्चन के आंसर देखते हैं सर चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी सले ठीक है ना मेरे भाई सलेखना करने की वजह से इसकी मृत्यु हुई थी 305 ईसा पूर्व में सर इसने सेल्युकस निकेटर के खिलाफ युद्ध लड़ा था ठीक है सेल्युकस निकेटर के खिलाफ और धर्म इसने कौन सा अपना लिया था तो सर इसने धर्म अपनाया था जैन धर्म को और सर इसने यह धर्म किसके द्वारा अपनाया था तो आंसर बनेगा भद्रबाहु ठीक है ना मेरे भाई भद्रबाहु के द्वारा अगला सिंधु नदी कहां से निकलती है देखो सिंधु नदी जिसे हम लोग इंग्लिश में इंडस भी कहते हैं सिंधु नदी भारत के एकमात्र अगर आप ऐसे मैप बनाओगे तो ये जो सिंधु नदी है अगर इसको हम लोग सिंधु नदी मान ले तो ये सिंधु नदी आपके झसकर और लद्दाख को अलग करती एक मात्र है एकमात्र शहर ये झसकर और लद्दाख के बीच से होकर के गुजरती है और इसका जो कैलाश पर्वत श्रृंखला इसका ओरिजिन है संख्योबाप ग्लेशियर के पास से अगला भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल अब तो इस समय आप देख ही रहे होंगे कि भैया दल बदल कैसे हो रहा है बिहार अभी इसी चीजों से जूझ रहा है आज का जो हम लोग का लेक्चर है आपने देखा होगा जो लोग बिहार से होंगे वो देख रहे होंगे कि बिहार का राजनीतिक जो घटनाक्रम है वो बड़ा तेजी से बदल रहा है ओवरऑल दल बदल का, का कानून सर डी ऑप्शन ग्यारहवीं शेड्यूल में है जरा बताइएगा पंचायती राज किस शेड्यूल में है जरा सा बताइएगा नगर निगम नगर निगम का जिक्र किस शेड्यूल में है राज्यसभा राज्यसभा सीट 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 ठीक है ना का स, का एलोकेशन किस आपके आर्टिकल में है आर्टिकल कह रहा हूं शेड्यूल में अनुसूची में पंचायती राज किस अनुसूची में है नगर निगम किस अनुसूची में है राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है ठीक है ना राज्यसभा सीटों का आवंटन मेरे भाई एक बात याद रखना नगर निगम का जिक्र हमें शेड्यूल 12 में पंचायती राज का यदि हम लोग जिक्र बोले तो 11 में और राज्यसभा सीट का जिक्र बोले तो चार में ठीक है राज्यसभा सीट का जिक्र बोले तो चार में नेक्स्ट अभिज्ञान शाकुंतलम को किसकी उत्कृष्ट कृति के रूप में जाना जाता है देखो ये बड़े फिक्स क्वेश्चन है ऐसा नहीं है कि ये बड़े ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन हो ये बड़े फिक्स क्वेश्चन है अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास और आओ इनकी सारी रचनाएं दोहरा देते हैं सर रघुवंशम अभिज्ञान साकुंतलम विक्रमोवर्षियम और एक किताब देखो अभिज्ञान शाकुंतलम रघुवंशम और आपके आ, ये क्या कहा जाता है विक्रमोवर्षियम ये सब इनकी बड़ी फेमस किताबों में से एक है ठीक है ना तो जरूर याद रहे हाँ कुमार संभवम बिल्कुल एक और किताब कुमार संभवम ये इनकी फेमस किताबें हैं और आपको पता है इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है क्या कहा जाता है भारत का शेक्सपियर भी इनको कहा जाता है किसको कालिदास को अगला भारत में 1986 में स्थापित किया गया पहला संरक्षित जैव मंडल कौन सा है भारत में तो भैया भारत में स्थापित किया गया पहला संरक्षित जैव मंडल है नीलगिरी नीलगिरी का क्वेश्चन क्या आता है कि नीलगिरी जो आपके पूर्वी घाट है ठीक है ना मेरे भाई पूर्वी घाट और प्लस आपका जो पश्चिमी घाट है जॉइंट टुगेदर एट नीलगिरी नीलगिरी की हाईएस्ट चोटी कौन सी है मैंने आज सुबह के भी लेक्चर में बताया था दैट इज डोडा बेटा नीलगिरी की हाईएस्ट चोटी अगला निम्नलिखित में से किसे भारतीय संघ के कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है देखो भैया जो नीति आयोग का उपाध्यक्ष होता है उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है कैबिनेट मंत्री का दर्जा नेक्स्ट महाबलीपुरम का रथ मंदिर किस पल्लव शासक के काल में बनवाया गया था तो सर अब देखो ये वाला क्वेश्चन मेरे हिसाब से आप जितना भी पेपर दिए होगे प्रीवियस चाहे रेलवे दे दो एसएससी दे दो या तुम जिस भी राज्य से हो ये वाला क्वेश्चन क्या कई बार का फिक्स टाइप का क्वेश्चन नहीं है तो जीएस में ना चार पांच हजार क्वेश्चन की ऐसी सीरीज है दोस्त जो एकदम फिक्स है निम्नलिखित में से कौन सा एक भू अवशेषिस्ट लैंडलॉक या भू अवशेषिस्ट क्या होता है जिसकी बाउंड्री सागर से टच में ना हो और राइट आंसर आपके डी अरल सागर राइट आंसर है आपके डी या फिर अरल सागर ठीक है अच्छा ग्रीनलैंड की राजधानी क्या है आज सुबह मैंने बताया था जो सुबह के दस बजे के लेक्चर में रहा होगा उसको याद आ जाएगा कि ग्रीनलैंड की राजधानी क्या है कमेंट करके बताना नेक्स्ट भारतीय संविधान के अनुसार आपातकाल की घोषणा किसके पास है अच्छा सर आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं राष्ट्रपति राष्ट्रपति आर्टिकल 123 में इनके पास कौन सा अधिकार है आर्टिकल एक में इनके पास कौन सा अधिकार है आर्टिकल 108 में इनके पास कौन सा अधिकार है राष्ट्रपति से संबंधित उसके अलावा राष्ट्रपति के पास कितने वीटो पावर होते हैं आपके ऑप्शन दे रहा हूं मैं पांच वीटो पावर चार वीटो पावर तीन वीटो पावर दो वीटो पावर चलो बताओ राष्ट्रपति के पास कितने बीटो पावर होते हैं और वो स्टूडेंट जो नाम बता दे वो तो मजा आ गया, सर, ये हो गया। मैं इसका करता हूं सर आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश दिया हुआ है ऑर्डिनेंस आर्टिकल एक में सर ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह मांगते हैं और आर्टिकल 108 में सर ये लोकसभा राज्यसभा की अह, ये लोकसभा राज्यसभा की ज्वाइंट सिटिंग बुलाते हैं ठीक है ना मेरे भाई Hence, ये लोकसभा राज्यसभा की ज्वाइंट सिटिंग बुलाते हैं तो वीटो पावर सर राष्ट्रपति के पास तीन होता है कौन कौन सा सस्पेंशन वीटो वीटो और पॉकेट वीटो आज के बाद याद रखना राष्ट्रपति के पास साप है साप मतलब सस्पेंशन वीटो निलंबनकारी एप्सुल्यूट वीटो आत्यांतिक वीटो या फिर पॉकेट वीटो जिसे जेबी वीटो कहा जाता है तो राष्ट्रपति के पास वीटो पावर कितने होते हैं तीन होते हैं अगला निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद शहर की स्थापना की थी अब जरा बताइएगा आगरा शहर की स्थापना किसने की थी फतेहपुर सीकरी ठीक है ना मेरे भाई फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना किसने की, की थी उसके अलावा बताइएगा जौनपुर जौनपुर शहर की स्थापना किसने की, की थी आ, अगर अहमदाबाद की बात की जाए दोस्तों तो अहमदाबाद अहमद शाह ने उसी के नाम पे अहमदाबाद पड़ा है ये तीनों सर आगरा सिकंदर लोधी ठीक है फतेहपुर सीकरी अकबर और जौनपुर सर, सर फिरोज साह तुगलक फिरोज शाह तुगलक इसने सर फिरोजपुर हिसार फिरोजाबाद फिरोज हिसारपुर ये सब शहर फिरोज शाह तुगलक ने इसने अपने जीवन में लगभग 300 शहर सबसे ज्यादा शहर बसाने वाला व्यक्ति फिरोज शाह तुगलक हुआ करता था नेक्स्ट <coughs> निम्नलिखित में से कौन सी एक औसादी चट्टान है फिक्स क्वेश्चन है यह आपके पेपर में देखने को मिलेगा लेकिन थोड़ा सा एनर्जी के साथ लगे रहो सर डी ऑप्शन आरकोस नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस संविधान से मौलिक कर्तव्यों को अपनाया गया है मौलिक कर्तव्य जब तक आप इसका आंसर दे मैं चार पांच आपको डिटेल देता हूं थोड़ा सा उसको लग करके देखो सर मौलिक कर्तव्य मौलिक कर्तव्य सर डी ऑप्शन यूएसएसआर से मौलिक कर्तव्य का जिक्र सर संविधान के पार्ट चार में है आर्टिकल सर चार ए में है आर्टिकल फिफ्टी वन ए में है सर, सर, इससे रिलेटेड समिति का नाम है सरदार स्वर्ण सिंह ठीक है ना सरदार स्वर्ण सिंह समिति जिसने मौलिक कर्तव्यों का सुझाव दिया था अब यहां पे एक की पॉइंट बताता हूं उसको सुनो सरदार स्वर्ण सिंह ने ओरिजिनल आठ सुझाव दिए थे भारत सरकार ने दस सुझाव उसी समय लागू किए दो इंदिरा गांधी ने अपनी तरफ से जोड़े वर्तमान में सुझावों की संख्या मौलिक कर्तव्य है ग्यारह ग्यारवा मौलिक कर्तव्य है छह वर्ष से चौदह वर्ष के बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अगला दिल्ली के किस सुल्तान ने सीरी के किले की स्थापना की और उसका निर्माण करवाया देखो मैं यहाँ पे आपको कई बार मैं कहता हूं ना मेरे लेक्चर में यदि आप लगे रह गए अलई मीनार उसके अलावा मेरे दोस्त अलई दरवाजा ठीक है ना अलई मीनार अलई दरवाजा जमयत खाना मस्जिद ठीक है ना जमयत खाना मस्जिद उसके अलावा मेरे दोस्त आपके एक और यहां पे जगह है तो लिख दूं हौज खास ये सारे के सारे निर्माण एक ही आ, सल्तनत कालीन व्यक्ति ने करवाया अलाउद्दीन खिलजी ठीक है ये सब आपके दिल्ली में मौजूद हैं और सिरी के किले की स्थापना भी अलाउद्दीन खिलजी ने की नेक्स्ट क्वेश्चन भारत चीन सीमा पर नाथुला स्थान पर चौवालीस वर्ष बाद पुनः व्यापार खोला गया भारतीय सीमा पे कहा है सर ये ऑप्शन सिक्किम भारतीय संविधान का अनुच्छेद तीन सौ तिरालीस किससे संदर्भ रखता है बताइए भारतीय संविधान का अनुच्छेद तीन सौ तिरालीस किसके संदर्भ में है तो सर किसके संदर्भ में हिंदी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज नेक्स्ट भारतीय संविधान का आर्टिकल 43 ए किससे रिलेटेड है सर ये डीपीएसपी से रिलेटेड है रटा हुआ क्वेश्चन नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अब देखो हम लोग कितनी बार आ जाओ आ, आंदोलन तुम सिर्फ बता दो बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था जैसे कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में हुआ रोलेट एक्ट या रोलेट सत्याग्रह ये गांधी जी ने और असहयोग आंदोलन ये कब किया वैसे इस क्वेश्चन का आंसर आपके सी है अहमदाबाद अच्छा असहयोग आंदोलन की बात करें सर तो 1920 ईस्वी में हुआ था आप बी और सी बताइए बारदोली की महिलाओं ने ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी और ये रोलेट एक्ट के ही खिलाफ गांधी जी ने इसको काला कानून और बिना वकील बिना दलील का कानून कहा था इसी के खिलाफ अमृतसर में धरना प्रदर्शन हो रहा था तो जलियावाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को और इस क्वेश्चन का आंसर सी सही है आपको ये दोनों देने हैं मैंने बहुत कुछ इसके बारे में बताया कुछ आपको बताना है अगला क्वेश्चन हिमालय किसका उदाहरण है रटा हुआ है सर हिमालय फोल्डेड माउंटेन का उदाहरण है अगला संसद में कितने दिनों के भीतर अनुमोदित न होने पर राष्ट्रीय आपात काल समाप्त हो जाता है देखो राष्ट्रीय आपात मतलब बात कर रहा है नेशनल इमरजेंसी की जरा बताना नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल में आता है तीन सौ साठ जरा बताओ किस आर्टिकल में आता है नेशनल इमरजेंसी आप कहोगे सर तीन सौ बावन हमारा देश किसी देश पर आक्रमण करे या कोई देश हमारे देश पर आक्रमण करे दैट इज थ्री फिफ्टी टू राइट आंसर है एक महीना नेक्स्ट पहले अकाल आयोग का गठन किसके अधीन में किया गया था बताओ पहला अकाल आयोग किसके अधीन में जाता तो है बताओ में, में है है तो पारिस्थिति की हॉटस्पॉट इसमें इस से कौन सा माना जाता है सोच समझ के बताना मेरे भाई और यार जो लोग ऐसे खाली पढ़ रहे हो थोड़ा सा सरमाया करो थोड़ा सा सरमाया करो किस मुद्दे में जब लाइक नहीं करते हो शर्म नहीं आती यार यार कभी कभी तुम लोगों को कि यार एक व्यक्ति इतनी एनर्जी के साथ इतना इंफॉर्मेशन देता है और हमारे अंगूठे में पता नहीं क्या चोट लगा है, क्या ऐसे उठा के लाइक तक नहीं कर पाते हैं खैर वो तो आपकी इच्छा है व्यक्तिगत इच्छा है लेकिन कभी दिल से सोचना कि यहां खड़ा होकर के इसी एनर्जी के साथ बोलते रहना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द लॉसेस ऑफ एनर्जी खैर भाषाई राज्यों की मांग पर विचार करने के लिए उन्नीस में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग देखो राज्यों के लिए कई टीम बनी थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा होगा कि नहीं पहली टीम जो बनी थी वो आपके वो था एस के धर समिति ठीक है ना एस के धर समिति जो दूसरी इसने कहा था भाषाई आधार पर बंटवारा नहीं होगा जो दूसरी बनी थी दोस्त वो बनी थी जे वी पी समिति इसने भी कहा था कि भाषाई आधार पर बंटवारा नहीं होगा लेकिन फजल अली आयोग ने कहा था भाषाई आधार पे बंटवारा हो सकता है इसे हम लोग राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहते हैं उसका अध्यक्ष फजल अली हुआ करते थे ये के एम पानीकर एच एन कुंगरू कुंजरू ये सब उसके सदस्य थे क्लियर है ना अगला क्वेश्चन निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए अब गए कई लोग कई लोग गए सर लॉर्ड मेयो का तो अठारह लग रहा है क्योंकि सर ये जनगणना कराया था लॉर्ड लिटन सर ठीक इसी के बाद आया था में इसने वर्ना कुलर प्रेस एक्ट लाया था लीलिन थगो ये तो सर 1940 सौ के आसपास की बात लग रही है सर तो लैंसडाउन ये सबसे पहले सर इसका राइट आंसर बनेगा दो एक तीन चार ठीक है दो एक तीन चार बिल्कुल सही है दो एक तीन चार ये है अगला पथरीले रेगिस्तान में लगातार एक ही दिशा में वायु बहती है उसे क्या कहते हैं उसे सर हम लोग यार डंग कहते हैं डिजराइली कि किस महत्वाकांक्षी योजना को पूरा करने के लिए, लिए लिटन को भारत में वायसराय के चूप में रूप में चुना गया था तो लिटन को सर बी ऑप्शन अफगानिस्तान अगला क्वेश्चन मेरे भाई दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ कहा स्थित है दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ कहां स्थित है ऑस्ट्रेलिया में नेक्स्ट 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी बताओ, 1906 में कांग्रेस के के की अध्यक्षता तो मेरे भैया डी ऑप्शन किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है भैया आंख में ऑप्शन कंजेविटी में चेंज करके लेंस की उत्तलता में परिवर्तन करके ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में साइंस के और आप पता नहीं कौन सी साइंस पढ़ के जाते हो कि वहां जाके परेशान हो जाते हो वर्षा और बर्फ के मिश्रण के रूप में होने वाले वर्षण को क्या दिन भर सेल पढ़ते रहो ब्लड पड़ते रहो अब पता चलता है कि कुछ ऐसे साइंस के दैनिक जीवन के क्वेश्चन पूछता है जिनका आंसर ही नहीं पता चलता है राइट आंसर मेरे भाई स्लीट नेक्स्ट चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है और शिकार भी कर सकती है क्योंकि सर क्योंकि उनकी जो आ, दे प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक वेव वे अल्ट्रासोनिक वेव के द्वारा गाइड होते हैं अपने शिकार का पीछा करते हैं और खा पी लेते हैं शिकार को और क्या हमारा राष्ट्रगान सबसे पहले कब और कहा गाया गया था सर जाहिर सी बात है हमारा राष्ट्रगान 1911 ठीक है ना कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था गाने वाली महिला का नाम क्या था सरला देवी याद रखना गाने वाली महिला थी सरला देवी और इसकी अध्यक्षता किसने की थी वो भी याद रखना पंडित विशन नारायण धर ठीक है ना विशन नारायण धर पंडित विश्व नारायण धर ने इसकी अध्यक्षता की थी अगला प्रकाश संश्लेषण के उद्देश्य से पत्तियों में छोटे छिद्रों के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है ये छिद्र क्या कहलाते हैं सर इन छिद्रों को कहा जाता है स्टोमेटा तुम पढ़ते रहो सिर्फ नवंबर दिसंबर तक तुमको ये क्वेश्चन रटवा ना दिया तो तुम कहना इसका राइट आंसर है दोस्त एपिथेलियल टिश्यू मेरा उद्देश्य होगा इतनी बार रिवीजन करवा दूंगा एक क्वेश्चन को कि तुम बोलोगे सर ये तो पुराना क्वेश्चन है उस दिन मैं सफल हो जाऊंगा क्यों क्योंकि तुमको याद हो गया क्यों क्योंकि तुमको याद हो गया उस मेट्रो का नाम बताइए सर कम से कम पांच बार करेंट अफेयर में पढ़ा चुका होंगे कि सर दिल्ली मेट्रो दिल्ली मेट्रो निम्नलिखित में से कौन सा मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखा गया है सर डी ऑप्शन गबन गोदान करम भूमि रंग भूमि लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार राष्ट्रीय पुरस्कार दिवस पे नहीं दिया जाता सर इसका राइट आंसर बनेगा डी विश्वामित्र ठीक है मेरे भाई राइट आंसर बनेगा मेरे भाई डी विश्वामित्र उस खिलाड़ी का नाम अब ये यार हटाओ इसको फाइंगाव इसका आंसर क्या है फाइंग गाँव ये तो देखते ही रटा हुआ है बी ऑप्शन मणिपुर में अगला भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच कौन बने हैं सर भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच बने हैं ग्राहम रीड अगला देखते हैं दो अच्छा 2019 का तो छोड़ दो रवीश कुमार पुराना है निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है सोच के बताइएगा दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है सर दक्षिण से उत्तर की ओर कौन सी नदी बहती है ए ऑप्शन सोन नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी झील अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य रेखा पर स्थित है अब सो, अब देखो चार क्वेश्चन पुराने आए तो कई लोग इसका आंसर कर लिए होंगे लेकिन अब बात वही है कि नया क्वेश्चन आ गया अब क्या करें सुना सुना भी लग रहा है और याद भी नहीं आ रहा है वो एक प्रॉब्लम एग्जाम में भी आपके साथ होती है कई बार एग्जाम हॉल में बैठे रहते हो और उसके बाद लगता है कि यार ये पढ़े तो हैं कहीं सुने तो हैं कहीं लेकिन अब क्या करें इसका राइट right आंसर बनेगा मेरे भैया सी डेफो वनों की कटाई डिफॉरिस्टेशन निम्नलिखित में से कौन मिट्टी संचरण का एक जैव तरीका है तो भैया मिट्टी संचरण का एक जैव तरीका है कंटूर फार्मिंग कंटूर फार्मिंग जैव विविधता निम्नलिखित तरीकों से मानव अस्तित्व का आधार बनती है बताइए भाई जितने इसमें दिए हैं ना ये आपके ए ऑप्शन एक दो तीन फसलों का परागण ये जैव विविधता के आधार पे मानव जीवन का आधार नहीं बनता है अगला मैक बंदर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाया जाता है मैकाक बंदर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाया जाता है सर डी वेस्टर्न घाट भारत का सिमलीपाल बायोस्फियर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है अभी देखो पक्के टाइगर रिजर्व पेंच टाइगर रिजर्व और आपके क्या कहा जाता है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व टी एक्स टू प्राइज जीता है ये जो मैं तीन चार नाम लिया हूं ना इनको जरूर याद करके इस बार जाना क्योंकि देखो पक्के में इस बार आपके अरुणाचल प्रदेश में एनटीसीए की उन्नीस बीसवीं बैठक हुई सत्यमंगलम को टी एक्स टू प्राइस दो हजार बाईस दिया गया है कैमूर जो टाइगर रिजर्व है एनटीसीए की उन्नीसवी बैठक में इसको बिहार को दूसरा टाइगर रिजर्व दिया गया और इसका राइट आंसर बनेगा उड़ीसा केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान से केंद्र सिम्फ्री कहां पर स्थित है सिम्फरी सर कोच्ची में स्थित है नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन ने निम्नलिखित में से अच्छा देखो ये टफ बनेगा इस क्वेश्चन को सिर्फ देख लो और इसको स्क्रीन शॉट लेना ले क्योंकि ऐसे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आएंगे बताओ मुद्रा का कार्य कौन सा नहीं है मीडियम ऑफ एक्सचेंज सर हम लोग पैसा तो एक्सचेंज करते हैं ये दिए वो लिए मूल्य का भंडार हां सर यूनिट ऑफ अकाउंटिंग बिल्कुल है सर तो ऑल राइट right ना आप खुद से सोचो क्या ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन टफ है नहीं है आपने ध्यान से सोचा नहीं यार पैसा लेन देन का माध्यम नहीं है मूल्य का भंडार नहीं करवाता लेखांकन अकाउंटिंग में नहीं आता वो तो फिर सभी विकल्प सही है अगला देखो नवरत्नों की अवधारणा निम्नलिखित में से किस केंद्रीय बजट में वैसे अगर यह हिस्ट्री का क्वेश्चन होता तो नवरत्न विक्रमादित्य सबसे पहले लाए और अगर यह इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है तो नवरत्न कंपनियां होती हैं नवरत्न महारत्न मिनीरत्न समझ गए होगे। आई अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय देखो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आपके देखो जैसे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आया ना पचास सौ लड़के लाइफ से तुरंत गिर गए जानते हो क्यों क्योंकि उनसे वो बनता नहीं वो मजा लेने आते हैं चैनल पे उनको लगता है चले देख लिया चल रहे हैं ये वो लोग होते हैं जो कंपटीशन में होते ही नहीं है तो इनसे डरो ही मत समझ रहो मत समझ रहे हो ना इनसे बिल्कुल डरो तुम लोग भी देखा करो किस क्वेश्चन पे लड़के बढ़े और किस पे गिरे इससे तुम्हें ये एनालिसिस मिलेगा कि भैया कौन कौन कमजोर हैं कौन यूट्यूब पे दो मिनट के लिए हा हा हाँ सही चला सही चला ये वाले कंपटीशन नहीं दे पाएंगे दोस्त पढ़ना पड़ेगा उसके लिए भौगोलिक क्षेत्र का कौन सा युग हमारे देश में अधिकतम विविधता दिखाता है तो भैया वो है आपका ईस्टर्न हिमालय एंड वेस्टर्न प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में इजी है सर खजुराहो मध्य प्रदेश में पड़ता है तो खजुराहो नृत्य महोत्सव भी मध्य प्रदेश में समान तत्व वाले स, अब ये है साइंस के क्वेश्चन इस लेवल का साइंस तुमसे पूछेगा तुम देख लेना आंसर करिए इसका राइट right right आपके सी ऑप्शन लेकिन विभिन्न दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है सोच समझ के आंसर करो पृथ्वी दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है so, सोच समझ, so, समझ करके बताइएगा पृथ्वी दिवस ठीक है ना बताओ बताओ अभी पृथ्वी दिवस याद आ रहा है सर नहीं याद आ रहा है लेकिन देख ले लो बाईस अप्रैल अच्छा तुम लोग को एक गाना याद है देखो अभी देखो प्रैक्टिकल एक देखो आ, सच कह रहा है दीवाना ये गाना याद है किसका याद, किसका याद ये गाना है सर सर तो आप कहोगे आर माधवन का ये गाना है देखो एक, एक तुम लोग के सामने एक प्रयोग कर रहा हूं ये वाला गाना याद है ना आर एच टी डी एम का रहना है तेरे दिल में सबको याद आ गया आर माधवन बताओ पहले आर माधवन याद आ गया अच्छा इन्हीं के लड़के ने जिनका नाम वेदांत माधवन है मेडल जीता है ठीक है ना वेदांत माधवन देखो अब कितने लोग इस पे ध्यान दे वेदांत माधवन ने आ, अभी हाल ही में डेनमार्क ओपन स्विमिंग में कौन सा मेडल जीता है बताइएगा डेनमार्क ओपन स्विमिंग जिसका आयोजन कोपेनहेगन में हुआ था कौन कौन सा मेडल जीता है सर वो नहीं याद है वो नहीं याद है ना जानते हो इसने रजत पदक जीता है रजत पदक और एक तुम लोग को इंटरेस्टिंग बात बता दे पढ़ाई के बीच में आर माधवन शाहरुख खान के लड़के जो आर्यन हुआ करते थे शाहरुख खान और आर माधवन में लड़ाई हो गया किस बात पे लड़ाई हुआ जैसा मीडिया में खबर आई आर माधवन बोले मेरे लड़के को तुम्हारा लड़का आर्यन बिगाड़ रहा है मेरा लड़का अच्छा खिलाड़ी है शाहरुख खान के तो खिलवा लो तो खान के लड़के पकड़े गए पता नहीं गांजा बीड़ी पीते हुए और ये रजत पदक तो बाप ने सही निर्णय ले लिया कि हटाओ संगति बहुत मायने रखती है समझ रहे हो संगति का असर यहाँ पे देखो खैर आरटीएस में एस के रूप में पहली मलेरिया वैक्सीन किस देश ने लॉन्च की थी सर पहली मलेरिया वैक्सीन मलावी ने यूनेस्को ने किस भारतीय राज्य के साथ अपनी अमूर्त संस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है ठीक है ना अमूर्त संस्कृति विरासत को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया बताइएगा जरा सोच समझ के बताइएगा दोस्त क्या होगा इसका आंसर ठीक है ना बताइए 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 <laughs> अच्छा चलो बताओ स्किल इंडिया सेंटर ठीक है ना स्किल इंडिया सेंटर, स्किल इंडिया सेंटर का नाम सुने हो अब मैं इसमें आपसे पूछ रहा हूं स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भारत में कहा खुल रहा है याद रखना भुवनेश्वर में खुला, वैसे इसका क्वेश्चन का आंसर राजस्थान होगा हटाओ इसको आ, ये भी हटा दो एसीआई, हाँ एसीआई टुंडा प्रदेशों में रहने वाले लोगों के समूह को क्या कहते हैं सर उनको हम लोग सेमियोट कहते हैं अब जरा यह बताओ द्रौपदी मुर्मू द्रौपदी मुर्मू जो वर्तमान में राष्ट्रपति बनी हैं यह किस आदिवासी समूह से बिलोंग करती हैं और अगली बात बताओ भारत के उनचासवें राष्ट्र चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी कौन बने हैं उनचासवें उनचासवे तो याद होगा अब जरा बताओ पचासवें कौन बनेंगे पचासवें देखो इट्स अ मैटर ऑफ अबेशन ये वाला आंसर 80 प्रतिशत लोग देंगे यह वाला आंसर 60 परसेंट लोग देंगे ये वाला आंसर 30 परसेंट लोग देंगे अंतर है देखो प्रतिशत लोग इसका आंसर देंगे 60 प्रतिशत लोग इसका आंसर देंगे।, देंगे देखो ये प्रैक्टिकल आपके सामने एक लाइव में प्रैक्टिकल करवा रहा हूं सर इनका आंसर होगा संथाल द्रौपदी मुर्मू संथाल से उनचासवें राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं यू ललित अब तुमको जानकारी के लिए बता दूं। यू ललित मात्र पचहत्तर दिन भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे नौ नवंबर जिस दिन मेरा बर्थडे पड़ता है नौ नवंबर को ये अपने पद से दो हजार को हट जाएंगे और नौ नवंबर के दिन ही पचासवें कौन बन जाएंगे चंद्रचूड़ जी चंद्रचूड़ जी और चंद्रचूड़ जी दो वर्ष तक अपने पद पर रहेंगे दो तक अपने पद पर रहेंगे तो अपडेट रहो और नंबर पाओ अगला क्वेश्चन जूनागढ़ अभिलेख निम्नलिखित में से किस भाषा का पहला अभिलेख है बताइए जूनागढ़ अभिलेख निम्नलिखित में से सर जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा से ठीक है जूनागढ़ अभिलेख किससे है भैया संस्कृत भाषा से अनिवार्य रूप से वायु में निलंबित पवन धाराओं द्वारा अपवाहित करीका को क्या कहा जाता है अब कई लोग तुमको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा हाँ सर मन भी नहीं लग रहा मेरे भैया कुछ क्वेश्चन सिर्फ याद कर जाओ राइट आंसर बनेगा सी एरो संगमरमर किसका रूपांतरित रूप है अगर यही गाना रहता सुनो ना संगमरमर तब तो याद हो जाता तो भैया आज से तुम लोग नहीं कहोगे सुनो ना संगमरमर तुम लोग कहोगे सुनोना लाइम स्टोन याद हो गया तुम लोगों को ठीक है ना तो आज के बाद तुम्हारा गाना क्या है सुनोना लाइम स्टोन न कि सुनो ना संगमरमर ये जो तुम्हारी ऐसे करके गाना है ना तो सुनो ना लाइम स्टोन अगला क्वेश्चन किसी व्यक्ति के लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए सर न्यूनतम योग्यता तो कई बातों पे डिपेंड करता है लेकिन सर केवल एक और दो भारत का नागरिक हो 25 वर्ष उसकी आयु हो लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ सकता अगला निम्नलिखित में से कौन सी धातु मूल अवस्था में पाई जाती है बताओ कौन सी धातु मूल अवस्था में पाई जाती है तो मूल अवस्था में सोना सोना कितना सोना है आ जाओ जरा बताओ हरा सोना किसे कहते हैं काला सोना किसे कहते हैं द्रव सोना किसे कहते हैं और हाँ, आपके क्या कहा जाता है पीला सोना किसे कहते हैं और सफेद सोना किसे कहते हैं सफेद सोना और मेरे भाई झूठों का सोना किसे कहते हैं ठीक है ना झूठों का सोना किसे कहते हैं अब यहां पे आ जाओ सोना का सिक्का ठीक है ना सोना का सिक्का सबसे पहले किस वंश ने लाया था प्रथम सोना का सिक्का सबसे पहले किस वंश ने लाया था और डचों ने जो सोने का सिक्का लाया था उसको क्या कहा जाता था उसके अलावा सबसे शुद्ध सोने का सिक्का किस वंश ने लाया था सबसे ज्यादा सोने का सिक्का किस वंश ने लॉन्च किया था यह सब सोना सोना से क्वेश्चन है आप करो सोना कितना सोना है सोने जैसा तेरा मन अब बताओ हमको तो सिर्फ रात में ग्यारह बजे सोना याद आता है कि सारा सुबह फिर करेंट अफेयर पढ़ाना है जितना सोना है सो लो ग्यारह बजे के बाद अगर हमको कोई जगा देता है तो हमको लगता है दुश्मन ही है जैसे कल अमित सर साइंस वाले कल मैं उनके साथ हूं हम लोग तीन चार दोस्त रुक गए उन्हीं के फ्लैट पे कि चलो यार आज कुछ अच्छा खाना वाना बनाओ और अच्छा खाना हम लोग के लिए क्या है चावल दाल सब्जी क्योंकि रोज बाहर का खाना है जिस दिन मिल जाता है चावल दाल लगता है अमृत मिल गया यार मैं तो डीबीसी दाल भात चोखा में बहुत ट्रस्ट करता हूं खैर काला सोना कोयला है सर हरा सोना चाय की पत्ती है सर जो रोज सुबह एक कप चाय पी के आप जगते हो द्रव सोना पेट्रोल है सर लिक्विड सोना पेट्रोल है सर पीला सोना सर वही सोना है जिसे आप एयू गोल्ड कहते हैं सफेद सोना सर आपके वो जो आ, क्या कहते हैं यार प्लेटिनम को कहा जाता है झूठों का सोना सर आयरन पायराइट को कहा जाता है आयरन प्लाइट को कहा जाता है ठीक है अब आ जाओ सर सोना का सिक्का सबसे पहले हिंद यूनानियों ने जारी किया था हिंद यूनानी अच्छा सर सब डचों के सोने के सिक्के को क्या कहते हैं डचों ने जो ढाला था दोस्त मॉडर्न इंडिया में उसको पैगोडा कहा जाता था सर सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश वालों ने जारी किए थे सबसे ज्यादा सोने के सिक्के सर गुप्त वंश वालों ने जारी किए थे अब सोचो एक सोना सोना पे एक दो तीन चार पांच छे सात आठ नौ दस 11 क्वेश्चन और अभी सोना के अयस्क सोना का पीरियोडिक टेबल में नंबर एक सोना के ऊपर 20 क्वेश्चन बन सकते हैं जैसे कि एक सोना के कम से कम 10 हीरा होते हैं समझ गया ना क्या बोले एक सोना के कितने हीरा होते हैं 10 हीरा होते हैं सबको सोना हैंडल कर लेते हैं या कर लेती हैं अगले पे आइए तो सोना चलो अगले पे आना आकस्मिक बाढ़ किससे संबंधित है ठीक है बीच बीच में मजा लेते रहना चाहिए पढ़ते रहो आनंद लेते रहो आकस्मिक बाढ़ सर कसम से पापा का जब जूता पड़ता है तो लगता है कि आकस्मिक बाढ़ आ गया है वैसे राइट आंसर है तूफानों से अगला भारतीय अनुच्छेद तीन सौ साठ किसको कहता है कि भैया आप आपातकाल घोषित कर सकते हो सर आपातकाल घोषित कर सकते हैं राष्ट्रपति महोदय है। इनको को कोई कमोए नहीं है जब हो तब आपातकाल आपातकाल अब आप द्रौपदी मुर्मू जी जब मन में आया लो आपातकाल अगला सिखों के दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे बताइएगा सिखों के दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे ठीक है ना? अच्छा अभी कुछ दिन पहले ये बड़ा चर्चा में था ज़िंग जरा बता सकते हो यह क्या है यह जो ज़ोंग जिंग चर्चाओं में है यह इस समय क्या है मैं बताता हूं जो जिंग सिक्स डी एक उपग्रह का नाम है जिसे चाइना ने छोड़ा है ठीक है ना तीन चीनी यात्री एक दिन बाद जोन जिंग उपग्रह के द्वारा सिचुआन प्रांत में आए हैं जरा सा बताना किस नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी सिख धर्म में इन्होंने किन दो चीजों की शुरुआत की सिख धर्म में और इनके समकालीन मतलब सम, जब ये थे तब के दो व्यक्ति का नाम बताओ तो सर यदि आप दो व्यक्ति का नाम पूछेंगे तो आप बाबर भी कह सकते हैं और कृष्णदेव राय भी कह सकते हैं ये दोनों इनके समकालीन थे और सर एक नाम आप लेना चाहें तो चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु भी आप साथ जोड़ सकते हैं ये तीनों इनके कंटेप्रेरी थे सर इन्होंने संग आ, लंगर और पंगत ठीक है ना इन्होंने लंगर और पंगत ये चीजों की शुरुआत की थी और सर अगर नदी की बात करें तो इन्होंने सर काली बेन नदी ठीक है ना मेरे भाई काली बेन नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई देखो ये क्वेश्चन टफ नहीं है लेकिन जो लोग हिम्मत छोड़ के पीछे हट जाएंगे उनके लिए टफ है क्योंकि उनको दिसंबर में होने वाले जीडी से कोई मतलब नहीं तो जरा सा देखते हैं ना यार एक बार कोशिश करो ग्राहम बेल ने बजाया बेल इनको दे दो आप दुर्भाष टन टन घंटी बज गई लो भैया एकदम रटा हुआ है सर ये जो रोटेंजन है ना एक एक रोए खड़ा कर देता है जब एक्सरे मशीन आती है आज सर ये जो है ना एकदम प्रिंटिंग प्रेस के साथ जुड़े हैं माइकल फैराडे जुड़े हैं डी ऑप्शन पर टिक मार के आगे बढ़ जाइए भारत की खारे पाने की क्वेश्चन तो इतना पूछे जिसके लिए नोबेल पुरस्कार मिल जाए नहीं चाहिए नोबेल पुरस्कार नहीं चाहिए नोबेल पुरस्कार लेकिन इसका राइट आंसर चाहिए उड़ीसा भारत में राष्ट्रपति का राष्ट्रपति का शासन छह महीने तक होता है ठीक है और मंजूर अधिकतम कितनी अवधि के लिए याद रखना अधिकतम आप इसको तीन साल के लिए बढ़ा सकते हो अगला पानी के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं कल मैंने इसको काटा था सर उसको हम लोग भौतिक प्रक्रिया कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे कठोर धातु है सोच समझ के बताओ निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे कठोर धातु है लिख लो मेरे भैया सी ऑप्शन प्लेटिनम सबसे कठोर है सबसे ललन टॉप है अगला आ जाओ निम्नलिखित में से कौन सा अंगक एटम बम कहलाता है रटवाया हूं सिखाया हूं कौन सा कहलाता है मेरे भाई डी ऑप्शन लाइसोसोम ठीक है ना डी ऑप्शन लाइसोसोम अगला 1904 में अभिनव भारत की स्थापना अच्छा आप जा जाओ जरा मुझे बताओ गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी अब आंसर करो गदर पार्टी मुझे बताओ आपके आ, क्या बोलते हैं साबरमती ठीक है ना साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी यह बताइएगा उसके अलावा ओरी विले आश्रम ओरी विले आश्रम इसकी स्थापना किसने की थी ओरिविले आश्रम की स्थापना उसके अलावा एक आश्रम और फेमस है सदाकत आश्रम इसकी स्थापना किसने की थी उसके अलावा नौजवान नौजवान सभा नौ सभा इसकी स्थापना किसने की थी उसके अलावा दोस्त आपके क्या बोलते हैं नौजवान सभा फॉरवर्ड ब्लॉक ठीक है ना फॉरवर्ड ब्लॉक की कि स्थापना किसने की थी इतने क्वेश्चंस का आंसर करो अब लग करके आंसर करो देखो वैसे इसको अभिनव भारत सर वी डी सावरकर बी ऑप्शन करेक्ट है सर सदाकत आश्रम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो देश के प्रथम राष्ट्रपति हुए नौजवान सभा हमारे आपके सभी के सम्मानित भगत सिंह जी फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस जी महान सुभाष चंद्र बोस जी अब जरा सुभाष चंद्र बोस जी की याद में कौन सा दिवस मनाया जा रहा है पराक्रम दिवस कब मनाया जाएगा पराक्रम दिवस आप ये बताइए गदर पार्टी सर लाला हरदयाल ठीक है ना लाला हरदयाल साबरमती आश्रम मोहनदास करमचंद गांधी जी ठीक है ना मेरे भाई मोहनदास करमचंद गांधी जी और ओरीविला आश्रम आपके अरविंदो घोष जी पाण्डिचेरी में ठीक है ना अरविंदो घोष जी क्वेश्चन का राइट आंसर आपके क्या बन गया मेरे भाई तो क्वेश्चन का राइट आंसर वी डी सावरकर अगला निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर है सोच समझ के बताइएगा भारत के पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगाह है मेरे भाई है। ठीक है? अगला, भारत के को शपथ कौन दिलाता है बताइएगा भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है तो सर राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ठीक है ना राष्ट्रपति का शपथ किस आर्टिकल के अंतर्गत लिखा हुआ है तो सर सर्त शपथ आर्टिकल 60 में आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग है ठीक है ना अगला क्वेश्चन छाल के ऊपर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है छाल के ऊपर सर छाल के ऊपर उगने वाले लाइकेन को कार्टिकल्स अगला निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मध्य पाषाण युग का नहीं है ठीक है ना निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मध्य पाषाण युग का नहीं है यह आपको बताना है सर मध्य पाषाण युग का बी ऑप्शन गणेश्वर नहीं है

अगर दोस्त हम उस पर बात करें कि राष्ट्रपति द्वारा घोषित जो वित्तीय आपातकाल है ये क्या है अच्छा अच्छा हाँ ठीक है ए, ए भीमराव भीमराव अंबेडकर अंबेडकर ठीक है देख ले रहे रहे हैं हैं एक लोग पूछ रहे हैं, सर इस बार की कौन सी जयंती मनाई गई एक स्टूडियो में हमारे दोस्त आ गए हैं अब वो हमारा जीएस चेक कर रहे हैं जरा आप लोग बताइएगा भीमराव अंबेडकर जी की इस बार कौन सी जयंती मनाई गई है खड़े हैं कैमरे के पीछे खड़े हैं बताओ देखो भैया भीमराव अंबेडकर जी आ, ये चौदह अप्रैल अठारह में इनका जन्म हुआ था दिसंबर 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी ये अपने माता पिता की चौदहवीं संतान हुआ करते थे और इस बार 2022 में उनकी 131वीं जयंती मनाई गई है 131वीं जयंती मनाई गई है वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके दो माँ होगा हो गया चलो गेट बंद करो निकल लो आ जाओ हो गया यही सही है दोस्त चलो अच्छा नहीं आप लोग से नहीं एक भाई साहब आ गए हमने कहा कि लो भैया एक जयंती मना लो एक जयंती इस बार मनाई गई है अगला निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है सुमेलित नहीं है एसिटिक एसिड सही है सर ये वाला जो ऑप्शन है एसिटिक एसिड ना। दही में लैक्टिक एसिड होता है ना खट्टा है ना लाल चीटी के डंक में फार्मिक माल्ट में माल्टोस नीबू खट्टे चीज में स्कॉर्बिक तो लेकिन ये वाला बढ़ा गया फजल, सूफी संत के थे? अच्छा, सूफी संत का घर किस नाम से जाना जाता है कई बार बताया ना। सूफी संत, एक सूफी संत हुआ करते थे आ, अकबर नाम से जलाल मोहम्मद क्या उसका नाम था मीर अली अकबर जामी मीर अली अकबर जामी के घर हुमायूं पहुंचे उनकी लड़की से प्यार शार कर लिए लड़की कुछ दिनों बाद शादीवादी हुआ और गर्भवती हालांकि गर्भवती वो शादी के पहले हो गई थी वो थोड़ा सा पॉलिश करके बता दिए और उन्हीं से लड़का पैदा हुआ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अकबर का नाम अकबर उपाधि तो थी उसके नाना का नाम भी अकबर था अकबर के जो माँ हुआ करती थी ठीक है हमीदा बानो बेगम हमीदा बानो बेगम के जो बाप हुआ करते थे वो एक संत थे उनके घर हुमायूं शेरशाह सूरी से हार करके जाकर के छुपा हुआ था और उसी छुपे हुए में ठीक है और उसके बाद उनकी लड़की से शादी किया और उसका एक दोस्त से एक बार इसी तरीके से बात हो रही थी तो उसने कहा कि मतलब उसकी बात पता नहीं कितनी सही है कितनी गलत मुझे नहीं पता लेकिन यार मैं तुम लोग से शेयर करता हूं तुम लोग अपनी बात को बताना उसने ये बोला थोड़ा सा ये विचारों का मतभेद हो सकता है इसको व्यक्तिगत मत लेना मैं पहले क्षमा मांग लेता हूं उसने कहा कि आसतोष सर आप अकबर को कई बार पढ़ा देते हो बड़ा महान है हमने कहा हाँ यार वो शासन वासन किया था उसने कहा आपको मैं बताता हूं महान क्यों है अकबर अकबर इसलिए भी महान है क्योंकि भारत के पहले जो एजुकेशन मिनिस्टर थे वो मौलाना आजाद थे मौलाना आजाद ने अकबर को महान बता दिया क्यों बता दिया ये वही अकबर है ना जिसको सर बिरबल दिन में तीस बार बेवकूफ बनाता था और मौलाना आजाद ने उसको सिलेबस में महान बना दिया और यह होगा इतिहास में महान जिन व्यक्ति को एक व्यक्ति जिसका नाम बिरबल था वो दिन भर में कम से कम तीस बार बेवकूफ बना देता था ये कुछ भी करे इनको घुमा फिरा के बेवकूफ बना देता था इतिहास को इतना तोड़ा मरोड़ा गया है ना दोस्त कि कभी तुम यदि हिस्ट्री के दो चार अच्छे राइटर्स की बुक पढ़ लोगे तो तुम्हारे मन का भ्रम मिट जाएगा समझ हो अब आप खुद से सोच मैंने भी उसकी बात सुना तो मेरे दिमाग में आया कि हाँ बिरबल तो इसको दिन में तीस बार बेवकूफ बनाता था और ऐसा व्यक्ति महान है इतिहास में जो स्वयं अनपढ़ था दिन में तीस बार बेवकूफ बनता था वो महान है इतिहास में खैर ये एक अलग मुद्दा है ठीक है ना ये कभी देखा जाएगा जब हम तुम एजुकेशन सिस्टम में देखेंगे तो इस चीज को देखा जाएगा ये मेरे दोस्त ने मुझसे कहा अब वो उसका व्यक्तिगत विचार है मैं इससे कितना सहमत हूं कितना नहीं या मायने नहीं रखता लेकिन आप लोग भी बताइएगा क्या इसकी सच्चाई है खैर अगले पे आ जाओ तो इसका क्या आंसर है यार शेख मुबारक ठीक है इसका राइट आंसर क्या बनेगा शेख मुबारक अगला अंडमान निकोबार से किस जल निकाय द्वारा तरीका दस डिग्री दस डिग्री चैनल से ये अलग होता है अंडमान निकोबार कितने डिग्री चैनल से अलग होता है दस भैया थोड़ा सा लाइक वाइक ठोक दो यार इतने लोग लाइव हो सोलह सो लाइक लिए बैठे हो मतलब आम का अचार डालने यहां बैठे क्या अगला लो ला कृषि आ गया कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन तय करता है सर ये ना तय तो कर देते हैं मोदी जी लेकिन नाम लगा देते हैं सीएसीपी पे <laughs> तय तो कर देते हैं मोदी जी आजकल उससे पहले मनमोहन जी तय कर देते थे नाम लगा देते हैं पर। कौन के दिल है दोस्त राज्य परिषद का अध्यक्ष किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान के लिए आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 मैं तुमको यहां पे एक एक मतदान पढ़ा दे रहा हूं मतदान की आयु ठीक है ना अब जरा उसका आंसर करके बताना चलो बताओ आपके कहा से शुरुआत करें पैंतीसवां संविधान संशोधन छत्तीसवां संविधान संशोधन बयालीसवां चौवालिसवां बावनवां इकसठवां ठीक है ना इकसठवां तिहत्तरवां तिहत्तरवां चौहत्तरवां ठीक है ना तिहत्तरवां और आपके चौहत्तरवां उसके बाद बानवेवां उसके बाद सौवा यही पांच छह संविधान संशोधन बताओ किससे रिलेटेड हैं सर वैसे इसका आंसर तो आपके इकसठवां है कि इक्कीस वर्ष से घटा के अठारह वर्ष सर पैंतीसवां और छत्तीसवां दोनों सर सिक्किम को राज्य और सहराज्य का दर्जा देने से संबंधित है बयालीसवां सर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको कहा जाता है इसमें तो बहुत कुछ जोड़ा गया चौवालीसवां सर वो संपत्ति उम्पत्ति का अधिकार को ले बीता सर बावनवां सर दल बदल के कानून से रिलेटेड है इकसठवां सर वो वोटिंग की आयु इक्कीस वर्ष से घटाकर अट्ठारह वर्ष से रिलेटेड है तिहत्तरवां सर पंचायती राज से रिलेटेड है चौहत्तरवां सर नगर निगम से रिलेटेड

भैया थोड़ा लाइक वाइक कर लो अच्छा लगेगा बड़ा अच्छा महसूस होगा अंदर से तुमको भी अच्छा सर ये सर ऐसा है कि सर दूसरी आज कल शोक नहीं यही कोट बना है ना तो सर आज आज से अजात शत्रु पहला कल से काला शोक दूसरा शोक से अशोक तीसरा और चौथा मीटिंग हुआ था सर कनिष्क के समय चौथा मीटिंग हुआ था कनिष्क के समय तो यहां से कोट बना आज कल शोक नहीं।, नहीं में नौ वर्ड आ रहा है ठीक है ना नहीं में वर्ड गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी बताओ गुलामगिरी अच्छा बताओ कामरेड नामक पुस्तक किसने लिखी थी ठीक है ना कामरेड नामक पुस्तक किसने लिखी थी यामा नामक पुस्तक किसने लिखी थी आपके नेचर क्योर ठीक है ना नेचर क्योर नामक जो सुबह का क्लास लिया होगा वो बता देगा नेचर क्योर क्योर किसने लिखा था और उसके बाद भाई डिवाइन लाइफ ठीक है ना डिवाइन लाइफ नामक किताब किसने लिखी है चलो अब ये चार किताब भी साथ रगड़ के एकदम बता दो बताओ मेरे भाई क्या आंसर होगा सर लिख लो ना डिवाइन लाइफ शिवानंद डिवाइन लाइफ शिवानंद कामरेड ये आपके यशपाल ने लिखा था यशपाल जी ने लिखा है आपके कामरेड यामा महादेवी वर्मा जी ने लिखा है ठीक है ना मेरे भाई महादेवी वर्मा जी ने लिखा है और मेरे भाई नेचर क्योर मुरार जी देसाई ठीक है ना नेचर क्योर किसने लिखा है तो मुरार जी देसाई ने लिखा है ठीक है याद रहेगा अगला क्वेश्चन तो इसका सी ऑप्शन सही है ज्योतिबा फूल नेक्स्ट द्विपक्षी मैंने इसको पढ़ाया है बताया है आप बताइएगा द्विपक्षी अधिकार सी ऑप्शन जब किसी उत्पाद का केवल एक खरीदार और एक विक्रेता होता है अगला निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने फारसी में अपनी आत्मकथा लिखी थी अच्छा जितने यहां पे लिखे हैं एक इसके आगे कर लो शाहजहां इन सभी के समय को कोई ना कोई स्वर्णकाल कहा जाता है बताइएगा सर वैसे इस क्वेश्चन का आंसर है जहांगीर ठीक है ना सर शाहजहां के समय को वास्तुकला का स्वर्ण काल ठीक है ना वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है ठीक है मेरे भाई वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है बाबर के समय को सर बाग बगीचों का स्वर्ण काल कहा जाता है बाग बगीचों का स्वर्ण काल कहा जाता है अकबर के समय को सर लिटरेचर साहित्य का स्वर्ण काल साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है मेरे भाई ठीक है ना साहित्य का स्वर्ण काल जहांगीर के समय को सर न्याय का ठीक है ना जहांगीर के समय को न्याय का स्वर्ण काल कहा जाता है सर कृष्ण राय ठीक है ना कृष्ण राय कृष्णदेव राय के समय को सर तमिल साहित्य ठीक है ना तमिल साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है तमिल साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है गुप्त काल को सर यहां पे लिख दे रहा हूं गुप्त काल को मेरे भाई आपको इंडियन हिस्ट्री भारतीय इतिहास ठीक है ना भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है ये है इतने स्वर्ण काल क्या पूछेगा यार एग्जाम में अगर जब जी जान लगा के पढ़ लोगे जितनी मैं कोशिश कर रहा हूं आपके लिए अगर आपको लग रहा हो दोस्त कि आशुतोष सर पूरी शिद्दत से लगते हैं मुझे पता है यूट्यूब पे पढ़ते समय ना मन उतना नहीं लगता है आपका मन लगे इसलिए मैं अपनी एनर्जी लगाता हूं नहीं तो यार आराम से पढ़ाने में बड़ा मजा रहता है हां आओ टाइम पास करो यहां से चले जाओ ज्यादा बातें काम कम करो लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूं पंचानवे क्वेश्चन पढ़ाया हूं तो हर क्वेश्चन पे चार एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दो से ज्यादा इंफॉर्मेशन भी दे चुका हूं दे दे कोई चालीस मिनट में दो से ज्यादा इंफॉर्मेशन सच कह रहा हूं कि नहीं और अगर आपको लग रहा है कि सर मेहनत तो हो रही है तो लाइक और सब्सक्राइब मेरे दोस्त चैनल को ठीक है

पृथक करणीता का सिद्धांत अब जो लोग अंग्रेजी वाले हैं वो भी सुन ले थि, थियरी ऑफ सेवराबिलिटी पृथक करणीता का सिद्धांत थियरी ऑफ इकिलिप आच्छादन का सिद्धांत किस आर्टिकल को सर आच्छादन का सिद्धांत कहते हैं आपके आपके को को और 13 -2 को सर कहते हैं आपके का सिद्धांत इस आच्छादन के सिद्धांत को दोस्त एक और नाम से जानते हैं ग्रहण का सिद्धांत ठीक है ना इसे आप ग्रहण का सिद्धांत भी कहते हैं आर्टिकल थर्टीन वन आर्टिकल थर्टीन टू ठीक है मेरे भाई चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं उम्र और उम्र बढ़ने से अध्ययन को हम लोग जेरेंटोलॉजी कहते हैं लिंग लिंग तिंग तिंग कल का पढ़ाया हुआ मेरे भाई डी ऑप्शन मिजोरम में है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सर इसका राइट right आंसर आपके डी ऑप्शन मुंबई है ठीक है मुंबई है अमेजन ने किस सर में अपने विश्व के सबसे बड़े परिसर का उद्घाटन किया है तो सर सी ऑप्शन हैदराबाद है वर्ष दो अरे सर ये तो अब पुराना क्वेश्चन हो गया ऑप्शन सही है ठीक है प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 की राशि अब आ जाओ करेंट अफेयर क्योंकि जी ठीक है ना जी का जो एग्जाम है ठीक है ना जी का एग्जाम है वो इतना वास्ट होगा कि आपको मजा आ जाएगा कि सर मजा ही आ गया ठीक है ना ठीक है ना आपको मजा आ जाएगा जरा आंसर करके बताना ठीक है ना इसका आंसर करके बताना अगले क्वेश्चन पे जाओ बताओ बताओ सर इसको वैसे बीस लाख रुपए कर दिया गया अगला जाते हैं निम्नलिखित में से कौन जलवायु जागरूकता अभियान और राष्ट्रीय फोटोग्राफी प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है सर यह आयोजित कर रहे हैं आपके आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय अब करेंट अफेयर कुछ निम्नलिखित में से किस दिन ब्रेल लिपि मनाया जाता है सर चार फरवरी को अगला फ्रांस ने कितने समय के लिए यूरोपीय संघ के अध्यक्ष पद के को संभाला है सर डी ऑप्शन छह महीने के लिए अभी हाल ही में विक्टर सान्यो का निधन हो गया वे कौन थे सर विक्टर सान्य एक खिलाड़ी है अब करंट अफेयर रिवीजन चल रहा है अगला अभी हाल ही में किसे ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है सर बी ऑप्शन अलका मित्तल अगला अभी हाल ही में मोहम्मद हफीज इनको द प्रोफेसर भी कहा जाता क्रिकेट लिया। सर ये पाकिस्तान के ओपनर रखी गई है ए भाई, में से कल्पना चावला स्पेस स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है ऑप्शन राजनाथ सिंह अगला निम्नलिखित में से किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है सर बी ऑप्शन रोहित कुमार अब मैं एक बात आपको बता दूं मेरे भाई कि अब मैं आपको एक बात बता देना चाह रहा हूं कि मेरे भैया जिनका जिनका कल शाम को बस आधे घंटे की क्लास चलेगी जिनका जिनका रेलवे ग्रुप डी और जीडी का एग्जाम की तैयारी कर रहे खास करके ग्रुप डी वो ये बैच जो आपके स्क्रीन पे है वरदान इसको वाई वन एट टू एस कोड के साथ क्या कर सकते हैं ले सकते हैं वाई वन एट टू एस के साथ इसको ले सकते हैं इस कोड से आज ये मैक्सिमम ऑफ पे मिल रहा है वाई वन एट टू एस कोड और हां मेरे भाई आप देखिए आपके लिए कितने बैचेस अड्डा लॉन्च किया हुआ है टारगेट सीपीओ बैच आपके एसएससी सीपीओ के लिए बैच आपके जीडी के लिए बैच सबसे इंपॉर्टेंट एसएससी जीडी कांस्टेबल का बैच आ चुका है जिस बैच को आप वाई वन एट टू कोड के साथ ज्वाइन कर सकते हैं सेवेंटी एट परसेंट लगभग ऑफ पे ये बैच मेरे भाई 30 अगस्त से शुरू हो रहा है कब से शुरू हो रहा है 30 अगस्त से जो लोग सीजीएल के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए यहां पे बैच है जो लोग सीपीओ के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए यहां जीडी के लिए यहां और सभी के लिए एक कोड है आपके Y182 अच्छा सर ये सारे बैचेस सर एसएससी के ही हैं तो सर ये सब एक जगह मिल सकते हैं हां ये है वो चीज ये है मेरे भाई आपके क्या अ एसएससी महापैक इसमें ये सारे बैचेस जितने स्क्रीन पे देख रहे हो आने वाले समय के सभी इसमें मिल जाएंगे आपको और ये भी बैच आप किस कोड से लेंगे वाई वन एट टू इस कोड को लगाते ही मेरे भाई ये बैच आपको सेवेंटी एट परसेंट ऑफ पे सारे के सारे बैच और आने वाले समय में जितने लॉन्च होंगे वो भी क्या हो जाएंगे आपको मिलते रहेंगे जब तक आपके कोर्स की वैलिडिटी होगी साथ ही साथ यदि आप दिल्ली पुलिस वगैरह भी इसमें शामिल है और उसको क्वालिफाई करते हैं तो इसको परचेस करने में जो आपका पैसा लगेगा अठहत्तर परसेंट ऑफ के बाद वो आपको रिटर्न किया जाएगा आपको सम्मानित भी किया जाएगा इसी एस एस अड्डा के ऑफिस में तो यूज कोड वाई वन एट टू और बुक और टेस्ट सीरीज के लिए वाई वन एट टू एस अड्डा के ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल भी ना भूलें कल सुबह करेंट अफेयर में आपकी हमारी मुलाकात होगी मार्च महीना पूरा हम लोग सुबह आठ बजे दोहराएंगे ठीक है ना मार्च महीना हम लोग सुबह आठ बजे दोहराएंगे अच्छा एक रिक्वेस्ट है अगली क्लास अब अक्षय सर की होने वाली है किसकी होने वाली अगली क्लास अक्षय सर अगली क्लास मेरे भाई अक्षय सर की होने वाली है उनकी क्लास में जरूर मूव करें बहुत शानदार टॉपिक आज वो लेके आने वाले हैं थैंक यू सो मच अपना ध्यान रखो अपनों का ध्यान रखो और हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच